हद तक इंट्रोडक्शन से ज़्यादा हमने बहुत पढ़ लिया। हमने बेटा दो दो सेशन में हमने ये पढ़ा कि आखिर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, राइट। हमने ये भी देखा कि आखिर इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज आया वो कैसे आया, मतलब मिलिकन कॉल्ड एक्सपेरिमेंट है। मैं बार बार आपको यही बोल रहा हूँ, अगर फिर भी किसी बच्चे को आपको दिक्कत होती है डेरिवेशन में, आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना उनका, ठीक है बच्चों। और हमने मास ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन सब हमने कर लिया है, ठीक है। कल हमने एक चीज कवर अप किया था कि आखिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है, और प्लम, उसमें प्लम पुडिंग मॉडल हमने किया था, ठीक है। अब इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को बेटा। नाउ सॉरी टू, थोड़ा भूल गया था मैं बेटा ना। ओके नाउ अपना जो हमारा जो नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल है, ओके, वो हमारा है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। मैंने आपको कल भी बताया था ये अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि इसने किसकी डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब आज एक्चुअली में रदरफोर्ड ने किया क्या था, तो ध्यान से समझो बेटा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है ये। उसने क्या किया, एक लेड ब्लॉक को लिया, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे अरेंज किया, ये अल्फा डीके है, ये क्या है, अल्फा डीके, मतलब अल्फा पार्टिकल है। यहां से अल्फा डी के अपने आप गया, और इस तरीके से उसने बहुत ही छोटा सा गोल्ड फॉयल बनाया। क्या बनाया बेटा, बहुत छोटा सा गोल्ड फॉयल बनाया। अब देखो उसने बहुत सारी बातें ऑब्जर्व करी है, ठीक है। उसने मतलब ये तो पहले मैं आपको ओवरऑल आइडिया बता रहा हूँ डायग्राम वाइज कि उसने किया क्या था। कि उसने एक लेड ब्लॉक लिया, लेड ब्लॉक में अल्फा पार्टिकल लिया, तो अल्फा पार्टिकल ये मतलब अल्फा डीके, और अल्फा स्कैटर करेगा, अल्फा स्कैटर करेगा तो यहाँ पे आएगा गोल्ड फॉइल के ऊपर स्कैटर किया। तो उसने ये देखा कि मैक्सिमम रेस तो क्या हो चुकी है, पास हो चुकी है, आउट ऑफ विच कुछ रेस स्ट्रेट चली गई थी। स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट ऐसा नहीं गया था, इस तरीके से गया था। मैं फिलहाल तो बता रहा हूँ स्कैटर हो गया, ठीक है, बाकी मैं आपको डिटेल में इधर बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको और अच्छे से बनाता हूँ, चलो इसको आपको ज्यादा बेटर समझने के लिए, और मैं आपको अच्छे से डिटेल बता देता ताकि आपको तो तकलीफ ना हो, ठीक है। अब उसने ऑब्जर्व क्या किया कि 99% ऑलमोस्ट कितना बेटा, 99% पास कर गया। 99% जो था वो अल्फा रे गोल्ड फॉल से क्या हो चुका है, पास हो चुका है, ठीक है। उसमें से कुछ रेस डेविएट हो गई थी, मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 0.5% जो रेस थी वो क्या हो गई, डेविएट हो गए, और इसमें से 0.5% उसी पाथ पे रिवर्स बैक हो गई थी। क्या हो गई थी बेटा, उसी पाथ पे रिवर्स बैक हो गई थी। ये ओवरऑल डायग्राम था किसका, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, ठीक है। तो बेसिकली हर एक्सपेरिमेंट में हम तीन चीजें देखते हैं, कंक्लूजन, सॉरी ऑब्जर्वेशन, पहले उसने ऑब्जर्व क्या किया उस एक्सपेरिमेंट में, कंक्लूजन, फाइनली उसने उस ऑब्जर्वेशन को देखे कंक्लूजन क्या निकाला, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो होता है वो होता है उसका रिजल्ट, क्या आखिर उसको ये सब करने से मिला क्या, ठीक है बेटा। तो पहले अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशन की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन की बात करें, देखो ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन और रिजल्ट तीनों को पढ़ाने से पहले कुछ पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा इधर ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये दो एक्स फॉर्मूले हैं जो आपको आगे काम में आने वाले हैं, बट इसको कहीं ब्रैकेट में अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको इसलिए मैं ब्रैकेट में बता रहा हूं, ठीक है। अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल है, चलो इसको ब्लैक से लिखता हूं तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2 और r डिस्टेंस पे, दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 r डिस्टेंस पे है, तो इनके बीच में
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या होगा बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square, 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square। ये 1/4 pi epsilon naught घबराने कोई बात नहीं, कांस्टेंट वैल्यू जिसका वैल्यू होती है 9 × 10⁻¹। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं, मेरा बस फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r, 1/4 pi epsilon q1 q2 by r। तो चलो इसको मैं यहां से रब कर देता हूं, बेटर रहेगा। तो बेटा ये दो फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है। कल भी मैंने आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तो उसका फॉर्मूला होता है q v फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो हो जाएगा QE फॉर्मूला हो जाएगा, जो हमने कल दो तीन एक्सपेरिमेंट में देखे। तो मैंने आपको पहले ही बोला था आपको सिर्फ वो फॉर्मूले याद रखने, मीनिंग हम बाद में भी समझ लेंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है, ये दो चीजें आपको याद रखनी फिलहाल के लिए। अब बात समझो, अब आप पूछेगा सर ये अल्फा पार्टिकल क्या है? तो बेटा दो बातें याद रखना, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल था क्या बेटा? हीलियम न्यूक्लियस को ही हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। मतलब अगर मैं हीलियम 2 4, तो आपने पहले भी ये पढ़ा होगा कि नीचे जो एलिमेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर उसका क्या होता है एटॉमिक मास। अगर आप हीलियम से दो इलेक्ट्रॉन निकाल भी लेते हो तो हीलियम प्लस 2 आ जाता है। क्या आता है? हीलियम प्लस 2। अब दो इलेक्ट्रॉन थे तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो बचा क्या उसके पास? क्या बचा बेटा, जल्दी बोलिए, न्यूक्लियस बचा। क्या बचा? सिर्फ आप सोचिए ना, न्यूक्लियस सेंटर में इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे, दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, तो उस बचा क्या उस एटम में? सिर्फ न्यूक्लियस बचा, इलेक्ट्रॉन तो चले गए, और इसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। चाहे मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं या हीलियम 2 4 रिप्रेजेंट करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात मतलब एक ही होता है, आपको ये समझना है कि वो हीलियम न्यूक्लियस ही है। हाँ, अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करके देता हूं तो मतलब तो अल्फा पार्टिकल होगा, लेकिन आपको याद रखना है कि चार्ज हमेशा इस पे कितना होता है? 2e होता है। तो बेसिकली हम टोटल, कल मैंने आपको बताया था कि टोटल चार्ज कभी भी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? हां वेरी गुड, किससे? ne। तो n टोटल चार्ज कितना है? 2 और e। तो टोटल चार्ज इसका ये हो गया। समझ रहा है बेटा, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, तो ये था बेसिकली हीलियम। हीलियम क्या होता है वो आपको, मतलब अल्फा पार्टिकल क्या होता है वो आपको थोड़ा बहुत बेसिकली आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब उसने ऑब्जर्वेशन क्या किया? देखो ऑब्जर्वेशन, आखिर रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशन क्या किया ड्यूरिंग द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और दो चार बार क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर, थ्योरेटिकली भी और न्यूमेरिकल भी। मैं आपको हर चीज डिटेल में समझाऊंगा, आपको फील आनी चाहिए, मेंस से लेकर एडवांस तक सब पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन उसने क्या किया? तो पहला जो ऑब्जर्वेशन था उसने कहा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज पास्ड थ्रू द एटम, पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल एटम। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल थे वो पास हो चुके थे गोल्ड फॉइल एटम से, एटम लिख देता हूं मैं। ठीक है, सेकेंड थिंग था कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल वर वास डेविएटेड थ्रू एंगल थीटा, मतलब थीटा जो भी है, नहीं भी लिखेंगे, वास डेविएटेड थ्रू सम एंगल लिख देते हैं बेसिकली, थ्रू सम एंगल। ठीक है, मतलब बहुत कम जो ऐसे रेस थे अल्फा रेस जो डेविएट हो चुके थे, जो 0.5%। मैंने आपको पहले बोला कि मोस्ट ऑफ द रेस तो क्या हो चुके थे, डायरेक्टली पास हो चुके थे। तीसरी पॉइंट जो उसने बेटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई बेटा, वो ये थी कि वेरी वेरी फ्यू अल्फा रेस वास कम बैक to the same path, जिस path से गई थी उसी path पर वो क्या हो चुके थे?
वापस रिटर्न आ चुकी थी। तो वेरी वेरी फ्यू, आप बोल सकते इसका नंबर कितना, तो 120,000 लाइन में से ऑलमोस्ट एक रेज ऐसी थी जो डेविएट हो गई थी सेम पाथ में, मतलब उसका एंगल आप बोल सकते हो 180 डिग्री है। तो अगर इसका मैं डिटेल में ऑब्जर्वेशन करूं तो इस तरीके से उसने ऑब्जर्व किया कि बहुत मैक्सिमम लाइन तो क्या हो चुकी थी बेटा, मैक्सिमम लाइन जो थी बेटा वो स्ट्रेट पास हो चुकी थी। ठीक है, जो रेस इस सेंटर से पास हो रहा था, ठीक है इसको मैं ब्लू लाइन से दिखाता हूं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, जो रेस इस तरीके से हुई तो यहां से बेटा समझो थोड़ा बात को, यहां से डेविएट हो गई, यहां से डेविएट हो गए, तो इसका एंगल जो हमने माना थीटा, क्या माना थीटा। ओके बेटा ये बात आपको समझ में आई, देखो आपको ये बात पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है ये पॉइंट समझ में आ रहा है आई थिंक सबको। ठीक है दो बात है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो मैंने सपोज कर इसका टोटल चार्ज मानना Z1e, क्योंकि यहाँ पे कौन सा चार्ज है अल्फा पार्टिकल, तो ये हो जाएगा इसका Z2e। Z1 उसका एटॉमिक नंबर, गोल्ड फॉल लिया तो गोल्ड फॉल पे टोटल एटम, गोल्ड फॉल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो 79, इसका मतलब गोल्ड 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 फॉल के एटम पे या गोल्ड के एटम पे टोटल चार्ज कितना हो सकता है Z1e, मतलब 79e, और अल्फा पार्टिकल का टोटल चार्ज कितना भी मैंने बताया था 2e, तो ये Z1 हो गया ये Z2, ये पॉइंट समझ में आया, चलिए वेरी गुड। और ये जो एंगल होता है बेटा, ये जो एंगल होता है ना, दिस जो एंगल यहां से एक स्ट्रेट जा रहा है एक एंगल से डेविएट कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं बी, मतलब इंपैक्ट पैरामीटर बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर, सॉरी नॉट पैरामीटर, इसको इंपैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। ये पॉइंट समझ रहे हैं, जो स्ट्रेट जा रही है और जो रेस थीटा एंगल से डेविएट कर रही है और उनके बीच के डिस्टेंस को हम बी बोलते हैं, जिसको इंपैक्ट पैरामीटर बोला जाता है। ठीक है होप सो यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ये था उसका ऑब्जर्वेशन बेटा, अब उसने कंक्लूजन क्या निकाला, कंक्लूजन क्या निकला इसका, तो वैसे बात उसने बहुत चीजें ऑब्जर्व भी करी तो कंक्लूजन भी निकाला। उसने पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला तो उसने ये निकाला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज होलो, मोस्ट ऑफ द एटम का जो पार्ट था वो क्या था, ऑलमोस्ट खाली था बेटा, क्या था खाली था, होलोस्फेयर था, मोस्ट ऑफ द एटम आर होलोस्फेयर, ठीक है खाली था एकदम खोखला था अंदर से। ठीक है सेकंड जो उसने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया थी बेटा वो ये थे कि एट द सेंटर ऑफ एटम देयर इज अ हाईली डेंस्ड, सब्सटेंस, या सब्सटेंस बोल सकते हो या फिर आप हाईली डेंस्ड पार्टिकल ही बोलो, चलो इसको बेटर यही रहेगा, हाईली डेंस्ड पार्टिकल विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड ने ही नेम्ड एज यहीं से सारा गेम चेंज होता है बेटा। ठीक है क्योंकि इसने बहुत बड़ी डिस्कवरी की थी जो था न्यूक्लियस के डिस्कवरी, अब तक किसने ये नहीं बताया था कि एटम का जो सारा मास जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है और इसी न्यूक्लियस को क्या बोला कि वो क्या कंटेन करता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कंटेन करता है, क्या करता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कंटेन करता है। ठीक है तो ये बेसिकली उसने ऑब्जर्वेशन किया, उसने बोला ये उसका कंक्लूजन था कि भैया ऐसा ऐसा होता है, और उसने बोला कि न्यूक्लियस तो सेंटर में रहता है और इलेक्ट्रॉन उसके रिवॉल्व, मतलब उस इलेक्ट्रॉन उसके रिवॉल्व करते हैं उसके सराउंडिंग में, मतलब जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, इस तरीके से उसने अपना कंक्लूजन दिया था। और इसको उसने ये भी बोला था कि आप बेसिकली मेरे मॉडल को सोलर सिस्टम जो होता है ना हमारा, सन बीच में होता है बाकी सारे प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, सेम बेटा उसी तरीके से इसने सोलर सिस्टम टाइप के जैसा अपने मॉडल को बताया था। तो ये उसने क्या बताया, कंक्लूजन बताया, तो बेसिकली ये उसके कंक्लूजन थे। ठीक
ठीक है, यहां तक बात सबको क्लियर है क्या? आखिर उसने क्या ऑब्जर्वेशन किया, क्या कंक्लूजन निकाला उसका? ठीक है, यहां तक हमने सब क्लियर। अब जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो आती है बेटा इसके रिजल्ट्स की, कि आखिर इसने रिजल्ट्स क्या दिए। तो कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स दिए थे जो कभी कभी आपको मेमोराइज, ये आपको याद ही रखना है। जो समझने वाली बात तो वहां पे मैं आपको समझाऊंगा भी, लेकिन जो रटने वाला चीज है वो आपको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट आता है, मतलब आईडीजे में कभी डायरेक्ट भी पूछ देता है। ठीक है, तो पहला जो ऑब्जर्वेशन, मतलब जो पहला से जो रिजल्ट दिया कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल विच आर डेविएटेड एट एन एंगल थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/sin का पावर 4 थीटा/2। ये फॉर्मूला दिया था उसने कि भैया साइन का पावर 4 थीटा/2 क्या होता है, मेरा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो जा रहे हैं मेरे। बात समझ में बेटा? इंपॉर्टेंट बात क्या थी यहाँ पे? इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आप अब इसको चेक करने के लिए आप ये कर सकते हो कि भैया 180 डिग्री पे, तो 180 डिग्री सॉरी, यहाँ से ये रिटर्न बैक हो गया था, इस पाथ पे जा रहा था, इसी पाथ पे आ गया। तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 मतलब sin 90, और sin 90 डिग्री बच्चों क्या वैल्यू होती है? 1 होती है। तो ये कुछ बातें हद तक सही थी, ठीक है, मतलब फॉर्मूला भी सही था, गलत था नहीं। तो इसका पहला रिजल्ट था। और उसने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या दिया था, tan θ/2 के Z1 Z2 e square by mv square b, ये फॉर्मूला दिया था tan θ/2, इसने फॉर्मूला दिया था। फिर से बोल रहा हूँ ये आपको याद रखने हैं, अगर आपको नहीं भी समझ में आते आप फिलहाल के लिए याद रखिए, डायरेक्ट कभी कभी आईटीजे में पूछ लेता है। ये इसने ये टोटल रिजल्ट दिया था कि साइन अल्फा पार्टिकल का जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल होते हैं वो कितने एंगल से डेविएट करते हैं, तो कैसे पता करेंगे, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइन का पावर 4 θ/2 और tan θ/2 का उसने एक तरीके से फॉर्मूला दिया था, जहां से आप इंपैक्ट पैरामीटर वेलोसिटी वगैरह निकाल सकते हो। बट उसके हमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, जो सेकंड इंपॉर्टेंट बात, ये मेरा पहला रिजल्ट था बेटा जो उसने, यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा। अब हम जो बात करते हैं बेटा वो हम बात करेंगे सेकंड रिजल्ट की। सेकंड जो रिजल्ट उसने बताया था कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो होता है आर नॉट ए का पावर 1/3। क्या होता है? आर नॉट ए का पावर 1/3, वेरी गुड। आर नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू उसने बताया थी 1.33 10^-15 मीटर, ये उसने वैल्यू दी थी। और ए मेरा क्या हो गया बेटा, क्या हो गया जल्दी बोलो, एटॉमिक मास। होप सो यहां तक आपको बातें क्लियर हो, यहां तक ऑब्वियस बात है, ये फॉर्मूला दिया था उसने, तो ये भी आपको बेटा याद रखना है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट जो उसने बात बताई थी, ध्यान से सुनना, यहाँ पे थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो उसने निकाली थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट भी है, आपको शॉक भी लगेगा सुन के। देखो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो है, डेंसिटी बराबर फॉर्मूला क्या होता है बेटा जल्दी बोलो, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, वेरी गुड। मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। चलो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को क्या लिख सकता हूं मैं, 4/3 πr³, ये लिख सकता हूं। मास ऑफ न्यूक्लियस को समझाने से पहले से एक पॉइंट समझो, जैसे सपोज करो ये कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, मान लो इसमें n1 प्रोटॉन है और n2 न्यूट्रॉन है, n1 प्रोटॉन है n2 न्यूट्रॉन है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा, लेट्स से mp, n1 into mp और n2 into mn, मतलब मान लो अगर n2 प्रोटॉन है, सॉरी n2 न्यूट्रॉन है और mn मैंने क्या माना, मास ऑफ न्यूट्रॉन माना, तो टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा उस न्यूक्लियस के अंदर, n2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और अगर n1 प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन का मास mp है, तो टोटल टोटल मास ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में जो होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा,
मतलब उसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, एन वन एम पी। तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस में क्या बोल सकता हूँ, एन वन एम पी प्लस एन टू एम एम। अब यहाँ पे एक पॉइंट हमेशा याद रखना, जैसे देखो हमने जो कल जो वैल्यू दी थी थोड़ी सी डिफरेंट थी, मास ऑफ न्यूक्लियस और मास ऑफ प्रोटॉन बहुत स्लाइटली डिफरेंट आता, बहुत ज्यादा नहीं डिफरेंस आता। तो याद रखिएगा, एक्सेप्ट रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियर केमिस्ट्री का पार्ट को छोड़ के बाकी पूरे केमिस्ट्री में हम मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सिमिलर मानते हैं, या आप सेम ही रख लो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो क्या मैं एम एन वन प्लस एन टू लिख सकता हूँ एम पी, ठीक है, और यही एन वन प्लस एन टू मेरा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या देता है मुझे, हाँ जल्दी बोलिए क्या देगा आपको। यस, एक मिनट जस्ट होल्ड करना, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो और एमपी, ये समझ में आया। और एमपी का मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बेटा, कितना होता है, 1 AMU, तो या AMU में लिख दो। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मेरा कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मेरा क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो AMU मेरा क्या हो गया, मास ऑफ न्यूक्लियस। तो AMU क्या हो गया मेरा, मास ऑफ न्यूक्लियस। यहां तक बातें समझ में नहीं, नहीं समझ में फिर से समझा दे रहा हूं। देखो N1 अगर मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन है, N1 मेरा है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो और एक प्रोटॉन का मास है MP, तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ, N1 MP। वैसे ही N2 अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो एक न्यूट्रॉन का मास MN है, तो टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना हुआ मेरा, N2 MN हुआ। तो यही टोटल मास तो मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, न्यूक्लियस का मास रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर, और मैंने आपको पहले बोला मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नथिंग बट 1.67 × 10⁻²⁷ kg। ये हम मानते हैं, आपने इनको दोनों को एमपी कॉमन ले लिया और एन वन प्लस एन टू, और एमपी को हम 1 AMU मानते हैं, मतलब AMU लिख सकता हूं मैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का ही तो फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक नंबर का होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मास नंबर भी बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, मास नंबर। मास नंबर क्यों, द नंबर व्हिच गिव्स आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज नथिंग बट, सॉरी, द नंबर व्हिच गिव्स आइडिया अबाउट द मास ऑफ न्यूक्लियस उसको हम मास नंबर भी बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, द नंबर व्हिच गिव्स आइडिया अबाउट मास ऑफ न्यूक्लियस नथिंग बट मास नंबर। यहां तक पॉइंट क्लियर है। अब यहां पर और 1 AMU मेरा कितना होता है, हां बताइए कितना होता है, 1.67 × 10⁻²kg, कल ही बताया था मैंने आपको। तो अब यहां पे पुट कर दो बेटा, ए इंटू एएमयू कितना होगा, 1.67 × 10⁻²kg, ठीक है, और 4/3 π। क्या आर नॉट को, समझो बात को, हाँ आर नॉट को, आर को मैं लिख सकता हूं आर नॉट की वैल्यू, आर नॉट देखो क्या, आर को मैं लिख सकता हूं आर नॉट ए का पावर 1/3 का होल क्यूब। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए यहीं से फॉर्मूले से मैंने यहां पे पुट कर दिया रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को। तो ए इंटू 1.67 × 10⁻²kg अपॉन 4/3 π। क्या अब ए 1/3 × 3 तो ए हो जाएगा, चलो ये हो गया, और आर नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 1.33। अब 10⁻¹⁵ m है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो -13 का होल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ए क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। अब समझो बात को, इसका मतलब जो डेंसिटी ऑफ जो न्यूक्लियस होगा, डेंसिटी ऑफ जो न्यूक्लियस है, डेंसिटी ऑफ जो न्यूक्लियस होगा, बड़े बात समझना ध्यान से, 1.10⁻³⁰ मतलब -39, -39 ऊपर चला जाएगा तो +39, 39 -24 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, कितना होता है 10⁻¹⁵, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10⁻¹⁵ g/cm³। और यही डेंसिटी सब सब एलिमेंट की होती है, मतलब यही न्यूक्लियस की डेंसिटी सारे एलिमेंट्स की होती है। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल, मैं यही वैल्यू सारे एलिमेंट्स की होगी, जितने भी एलिमेंट्स है ना दुनिया में, जितने भी उनके जितने न्यूक्लियस है सबके वैल्यू। तो देखो वेरिएबल यहाँ पे सिर्फ ए था,
ए मतलब एट मास नंबर, वो चेंज हो सकता था बट वो भी कैंसिल हो गया, बाकी सब तो बेटा कांस्टेंट है। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसके अप्रोक्सीमेटली रेंज होता है 10 से 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा रिजल्ट माना जाता है आज भी। ठीक है, ये हमारा हुआ तीसरा ऑब्जर्वेशन। चौथा ऑब्जर्वेशन जो था, जो उसने बताया था कि रेडियस ऑफ एटम, ठीक है, रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था बड़े उसने। ठीक है, ठीक है, उसने क्या बताया था, रेडियस ऑफ एटम होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर और ये होता है 10⁻³⁰ सेंटीमीटर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर और ये होता है 10⁻³⁰ सेंटीमीटर। यहां तक बात सबको क्लियर है? तो अगर मैं इसको मीटर में करना चाहूं तो ये 10⁻⁰ मीटर हो जाएगा और ये 10⁻⁵ मीटर आ जाएगा। 10⁻⁵ मीटर को हम 1 फर्मी मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, उस हम बाद में भी सीखेंगे, कोई इशू नहीं है। इसका मतलब अगर मैं वॉल्यूम ऑफ एटम की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ एटम बेटा क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? यस, क्योंकि मेरे लिए एटम क्या है, वो स्फीयर है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब मैंने कितना आता है, चलो मीटर में लेते हैं, 10⁻⁰ क्यूब। और अगर मैं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस मेरे लिए क्या हो जाएगा, 4/3 पाई 10⁻⁵ क्यूब। ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, ये मेरे लिए वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब जो बात है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा ठीक है, तो ये था मेरा वॉल्यूम ऑफ एटम और ये था मेरा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ एटम को मैं डिवाइड कर दूं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस से, तो ये मेरा जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब मेरा हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब और ये हो जाएगा 4/3 पाई 10⁻⁴⁵ मीटर क्यूब। ये 4/3 पाई 4/3 तो भाई कैंसिल, मीटर क्यूब कैंसिल। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10⁻⁴⁵ बेटा ऊपर जाएगा तो +45 हो जाएगा और 30 आप कितना 15 हो जाएगा, ये तो एप्रोक्सीमेटली 10⁻⁵ टाइम न्यूक्लियस के वॉल्यूम से क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। ठीक है, ये भी अपने आप में एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट था कि वॉल्यूम, अब आप खुद से सोच लो न्यूक्लियस कितना छोटा रहता है और एटम कितना बड़ा रहता है, तो आपको यही से आइडिया लग गया होगा 10⁻⁵ टाइम्स बड़ा है न्यूक्लियस के वॉल्यूम से, किसका, एटम का वॉल्यूम। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हमारे चार पॉइंट हुए। ठीक है, पांचवा जो पॉइंट है बेटा, ठीक है, पांचवा पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। इसको मैं अलग पेन से इसलिए लिख रहा हूं कि ये फिफ्थ पॉइंट जो है ये जेईई एडवांस में पूछ चुका है, एक दो बार पूछ चुका है जेईई एडवांस में फिफ्थ पॉइंट जो है। इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल लिख दो, इसको पूरा ही लिख देता हूँ, चलो ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, जिसको हम आर मिनिमम से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं बेटा, आर मिनिमम से डिनोट करते हैं। यहाँ पर बात आप सब समझ में आई थी। अब ये बात है क्या भैया, क्या क्लोजर क्या बोले जा रहे हो, क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बात है, कुछ नहीं बेटा, बहुत छोटी बात है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, जो मैंने आपको दो फॉर्मूले दिए थे पोटेंशियल एनर्जी वगैरह, बस वो पॉइंट याद रखिएगा। अब ये पॉइंट ये है कि ये एप्लीकेबल किसके लिए है। ठीक है, क्लोजेस्ट अप्रोच सब मैं आपको मेनली समझाऊंगा। ठीक है,
क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब ये होता है कि अगर आप इससे अल्फा पार्टिकल को फेंकते हो तो, क्योंकि देखो अल्फा पार्टिकल फेंकते हो ठीक है, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कौन सा था? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा था बेटा? पॉजिटिव चार्ज था। और आपको पता है अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। तो यहां तक तो बात सही है कि एक जब आप फेंकोगे तो एक डिस्टेंस तक वो जाएगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। आप उससे सोचो, जब अट्रैक्शन होता है किसी की तरफ तो आप बहुत जल्दी तो दौड़ते हो उसके तरफ, लेकिन अगर वही रिपल्शन होता है अब तो आप उतने तेजी से उसकी तरफ नहीं जाओगे। कहने का मतलब, अगर मैं ऐसा चल रहा हूँ मुझे कोई सामने से धक्का दे रहा है तो ऑब्वियस बात है मेरी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। और या सामने से धक्का, सामने से रोक रहा है या पीछे से कोई मुझे खींच रहा है तो भी बात एक है कि मेरी स्पीड तो क्या होती जाएगी? घटते जाएगी। सेम थिंग है भाई कि भैया रिपल्सन के कारण अल्फा पार्टिकल की स्पीड घटते जाते हैं, एक पॉइंट के कुछ मतलब एकदम न्यूक्लियस के अंदर तक नहीं जाते, एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाके रुक के फिर वो वापस हो जाता है। हाँ, अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आता है बेटा कि कौन सा अल्फा पार्टिकल, तो सिर्फ एक ही अल्फा पार्टिकल था जो 180 डिग्री पे जाके रिवर्ट बैक हो रहा था, राइट, जो मैंने आपको बताया था। तो मैं लिख देता हूँ, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज अल्फा पार्टिकल विच इज रिवर्टेड बैक एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। ये सिर्फ उसी अल्फा पार्टिकल पे एप्लीकेबल होगा जो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल किया था और 180 डिग्री पे रिवर्टेड बैक एन एंगल 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ तो बात सबको क्लियर है। अब देखो, अगर मैं ये पॉइंट ए मानता हूं, क्या मानता हूं बेटा? पॉइंट ए। और यहां पे मेरा न्यूक्लियस है, क्या है मेरा यहाँ पे? न्यूक्लियस है, ओके बेटा। तो मान लो ये मेरा Z1E है, क्या है मेरा? Z1E। अब देखो, जब ये जो JEE एडवांस में जो क्वेश्चन आया था बेटा, उसने क्या लिया था यहाँ पे? गोल्ड फॉइल लिया था। हो सकता है एल्युमिनियम फॉइल भी ले सकता है, कॉपर फॉइल भी ले सकता है, सिल्वर फॉइल भी ले सकता है, ठीक है। तो Z1E का मतलब क्या हो कि भैया दिस इज द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस, ठीक है। अब सपोज करो, अगर मैंने बोला कि लेट्स से गोल्ड है, गोल्ड का न्यूक्लियस है, तो गोल्ड के न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज कितना होगा? वेरी गुड, 79 ही, क्योंकि 79 उसका क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर होता है। और अगर मैंने बोला भैया सिल्वर है, तो सिल्वर का होता है 47 ही होता है, और कॉपर होगा तो 29 ही। तो इस तरीके से क्या होता है मेरा, एक मिनट होल्ड करना, 47 राइट, 47 ही ये गोल्ड, गोल्ड का टोटल चार्ज होगा, गोल्ड के न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज होगा, ये सिल्वर के न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज होगा, और ये कॉपर के न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज होगा। यहां तक पॉइंट आपको आई होप सो क्लियर हुआ होगा। और यहां मेरा क्या है, यहां पे अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल पे टोटल चार्ज कितना होता है? 2e होता है। तो q2 बराबर कितना हो जाएगा? 2e। और q1 बराबर क्या हो जाएगा? z1e। तो आपका q2 फिक्स रहेगा, q2 में कोई चेंज, हमेशा जब भी पूछेगा तो अल्फा पार्टिकल पे ही पूछेगा, भले आपका q1 इन मोस्ट ऑफ द 90% केसेस में इन्हीं तीनों पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो q1 q2 का कांसेप्ट समझ में आया, ठीक है। क्योंकि मैंने ये माना कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है, कहां से आ रहा है? इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट पे है। तो याद करिए, इन मैं ऐसा ज़ूम करके चल रहा हूं कि ये जो पॉइंट ए है मेरा बहुत दूर से आ रहा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आ रहा है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस में तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में कोई भी, मतलब इस पॉइंट पे, पॉइंट ए में, सॉरी इनके बीच में नहीं बोलना चाहिए, इस पॉइंट ए में पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? जीरो होगी। याद करें पोटेंशियल एनर्जी का मेरा फॉर्मूला क्या था? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, तो उसको मैं के मानता हूं, लेट्स से उसको मैंने के माना क्योंकि ये कांस्टेंट है, q1 q2 / r। तो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस तो 1 / इंफिनिटी क्या होती है बेटा? 1 / इंफिनिटी क्या होती है? जीरो होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सो लेट्स से यहां पे अल्फा पार्टिकल है, तो इसका मैंने मास m अल्फा माना और वेलोसिटी v अल्फा माना, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी तो जरूर होगी क्योंकि ट्रैवल कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ?
क्योंकि पोटेंशियल है, कोई ना कोई एनर्जी हर बॉडी में एसोसिएट जरूर होती है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल में। तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं तो भैया काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि ट्रैवल कर रहा है एटलीस्ट मतलब वेलोसिटी है, तो ऑब्वियस बात है उसके पास एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब क्योंकि रिपल्सन है तो ये जाते जाएगा, तो ऑब्वियस बात है स्पीड क्या होगी इसकी, घटेगी। वेरी गुड, जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा, एक सर्टेन पॉइंट के बाद ये रुक जाएगा। मान लो पॉइंट बी पे क्या हो चुका है, रुक चुका है पॉइंट बी पे, जब ये स्टॉप हो चुका है मतलब पार्टिकल रेस्ट पे आ चुका है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी पे क्या होगी प्यारे बच्चों, जल्दी बोलो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इस पॉइंट पे, जीरो हो जाएगी। वेरी गुड, ठीक है। और जब जिस पॉइंट पे रुकेगा और इस यहां से इस डिस्टेंस को हम आर मिनिमम बोलते हैं, क्या बोलते बेटा, आर मिनिमम बोलते। वेरी गुड, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी मेरे इस केस में क्या हो जाएगी, के Z1, Z2, क्या मैं लिख सकता हूँ, Q1 मेरा, Q2, Q1 क्या था मेरा, Z1 ही था, Q2 क्या था मेरा, Z2 ही था, तो Z1, Z2 E square by R minimum, क्योंकि एक चार्ज यहाँ पे, दूसरा चार्ज यहाँ पे, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R minimum है, तो Z1 E into Z2 E by R minimum, तो मतलब Z1 into Z2 E square into K1 by 4 का सम के कांस्टेंट, ये तो मैंने K ही माना, तो R minimum, ठीक है। अभी क्वेश्चन बनेगा कैसे, तो बस कुछ नहीं, आपको अप्लाई करना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है, चाहे पॉइंट ए पे हो चाहे पॉइंट बी पे। तो अब मैंने क्या अप्लाई किया, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या अप्लाई किया बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू होगा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। आप ऐसे भी सोच सकते हो बेटा, यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, वो किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो एनर्जी क्या रही बेटा, कंजर्व रही, आपने ना उसको क्रिएट किया ना उसको डिस्ट्रॉय किया, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुई। तो वही मैंने पॉइंट ए पे जो टोटल एनर्जी लग रही थी और पॉइंट बी पे जो टोटल एनर्जी लगे वो हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो वही चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी, होप से यहाँ तक पॉइंट आपको क्लियर होंगे, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट मतलब आगे मैं आपको बताता हूँ उसको डिटेल में, ठीक है। देखो पॉइंट ए पे बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाँ वेरी गुड, पॉइंट ए पे थे हाफ एम अल्फा बी अल्फा स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एट ए जीरो था, बट काइनेटिक एनर्जी एट बी भी क्या था मेरा, जीरो था। और तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितना होगा, जल्दी बोलो बेटा, के जेड वन जेड टू ई स्क्वायर बाय आर मिनिमम। बस आपको इतना ही ये चीज अप्लाई करना है, ठीक है। कभी कभी क्या देगा आपको, आर मिनिमम देगा, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल पूछेगा, ठीक है, या तो वेलोसिटी दे देगा, बोलेगा कितना क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक वो न्यूक्लियस के पास जा सकता है, यही क्वेश्चन बनते हैं। एक आपको डमी को, एक मैं क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, वेन वेन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, व्हेन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम इंफिनिटी विथ वेलोसिटी वी नॉट, कितने इनफाइनाइट से उसने अल्फा आपको पार्टिकल भी दे दिया, अल्फा पार्टिकल दे दिया उसने, और इनफाइनाइट डिस्टेंस से भेज रहा है विद वेलोसिटी वी नॉट, ठीक है, बोल रहा है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड एटम, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड एटम, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, तीन पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहला
पहला फाइंड आउट करना। अच्छा एक बात और, जब मैं यहाँ पे, क्योंकि देखो फिजिकल केमिस्ट्री मेरा पार्ट है तो न्यूमेरिकल भी आएंगे, तो जब मैं बोर्ड पे न्यूमेरिकल लिखूंगा तो आप जो भी बेटा ऑनलाइन आप देख रहे होंगे, प्लीज क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आप पॉज करिए, उसको एक बार खुद से अटेम्प्ट करिए, सोचिए, गिव्स एटलीस्ट 10 मिनट्स, एटलीस्ट ईच क्वेश्चन यू शुड गिव 5 मिनट्स, कम से कम आपको देनी ही चाहिए। उसके बाद खुद से अप्रोच करिए, फिर भी आपको नहीं बनता तब आप कंटिन्यू करके आप सॉल्यूशन देखें, लेकिन पहले आप अपने खुद से अप्रोच, क्योंकि मैं जनरली ऑफलाइन बच्चों को पहले खुद देता हूँ, मेरा ऑफलाइन बच्चा पहले खुद से अटेम्प्ट करते हैं फिर उसके बाद मैं उनको सॉल्यूशन बताता हूं। बट ऐसे ही आपको भी करना है, जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे होंगे आपको पहले खुद अप्लाई करना है, पॉज करके सॉल्यूशन नहीं देखना है जब तक, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने सारा बता दिया आपको, ठीक है। चलो फाइंड आउट पहला क्वेश्चन क्या बनता आपका, आर नॉट, फाइंड आउट आर नॉट क्या होता है बेटा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस तो हम आर नॉट बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला है फाइंड वेलोसिटी थ्रू विच अल्फा पार्टिकल रीच आउट एट अ डिस्टेंस ऑफ ट्वाइस आर नॉट, लिख देते हैं ये छोटा आर नॉट ही कर देता हूं मैं, ठीक है, ट्वाइस आर नॉट कर दिया मैंने। और तीसरा जो आपको निकालना है वेलोसिटी थ्रू विच अल्फा पार्टिकल रीच टुवार्ड्स न्यूक्लियस एट अ डिस्टेंस ऑफ आर नॉट बाय टू। तीन इंपॉर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चन दिए मैंने आपको बेटा, आपको ये खुद से सॉल्व करना है, पॉज करिए, पहले खुद से अटेम्प्ट करिए, उसके बाद अगर आपको नहीं बनता फिर आप वीडियो कंटिन्यू करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस कंटिन्यू, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन जो है, पहला पार्ट जो है क्वेश्चन का, देखो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल दिया हुआ, देखो हमेशा न्यूमेरिकल बनाने का टेक्निक क्या होता है कि जो दिया हुआ पहले उसको पहचान, अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है, वेलोसिटी वी नॉट दिया हुआ, गोल्ड एटम दिया हुआ है। देखो जनरली गोल्ड एटम का तो मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है कि 79 ईच उसके न्यूक्लियस पर चार्ज होगा, तो ये आप जान भी सकते हो, ठीक है, आप जान वहां पे लिखा हुआ है कभी, बट इन एग्जामिनेशन वो आपको देता है, डोंट वरी आपको एटॉमिक नंबर भी देगा, आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, बट एटलीस्ट 1 से लेकर 30 तक आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि 1/2 m अल्फा, मतलब अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, हीलियम का मास कितना होता है, 4 होता है बेटा, वेरी गुड। तो m अल्फा ही लिख देता हूं मैं फिलहाल, m अल्फा * v नॉट स्क्वायर, क्या लिखा मैंने, v नॉट स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर होगा ये, वेरी गुड, किसके बराबर होगा ये, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है, के z1 मेरा कितना है बेटा, z1 मेरा हो जाएगा वहां पे, z1 मैंने न्यूक्लियस गोल्ड के न्यूक्लियस को माना, तो यहां पे 79e * और यहां पे कितना हो जाएगा अल्फा पार्टिकल का चार्ज, 2e डिवाइडेड बाय r नॉट, यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। अब मैं लिख सकता हूं m अल्फा को आप कितना मान सकते हो, चलो 4 मान लेता हूं, 1/2 * 4 v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा k, 79 को जा कितना हो जाता है 158 e स्क्वायर बाय r नॉट, तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, एक मिनट होल्ड करना जस्ट फॉर 1 मिनट, चलो m को m ही रखते हैं, नो डोंट चेंज इट, नहीं तो बाद में कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, m का m के फॉर्म में रखता हूं मैं, चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, m अल्फा, ठीक है। तो यहां से r नॉट की जो वैल्यू आएगी तो 2 यहां चला जाएगा, तो k * 158 * कितना हो जाता है बेटा 316 e स्क्वायर डिवाइडेड बाय m अल्फा v नॉट स्क्वायर,
ये मेरी आर नॉट की वैल्यू होगी, क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे ये जाएगा जहां तक। तो यहां से मेरा बेटा क्या आया, पहला पार्ट आया, ठीक है। सेकंड पार्ट भी आपको मैं बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन जो आता है, अब सेकंड क्वेश्चन को मैं थोड़ा डायग्राम वाइज समझाऊंगा। यहां पे पॉइंट ए था, पॉइंट ए से मैंने पास आउट किया, ठीक है। मान लो यहां पॉइंट बी तक वो पहुंच रहा था, यहां पे मेरा क्या था बेटा, न्यूक्लियस था, और यहीं पे मेरा हमने क्या डिफाइन किया था, आर नॉट। पॉइंट ए पे मेरी कौन सी एनर्जी लग रही थी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लग रही थी, और पॉइंट बी पे सिर्फ कौन सी एनर्जी लग रही थी, पोटेंशियल एनर्जी। अब उसने कितना पूछा, आर नॉट, आर नॉट पे नहीं पूछा उसने, ट्वाइस आर नॉट पे वेलोसिटी क्या होगी, मतलब इससे जस्ट यहां पे कितना हो जाएगा, ये यहां से यहां ट्वाइस आर नॉट। तो ये पॉइंट जो मैं मानता हूं सी मानता हूं, बात समझना ध्यान से, जब अल्फा पार्टिकल यहां से चला तो इसके पास सिर्फ कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे जैसे पॉइंट सी पे जाएगा तो यहां पॉइंट पे वो रुका नहीं है, इस पॉइंट पे वो रुका नहीं, जब रुका नहीं इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और हाँ बेटा कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों होगा अल्फा पार्टिकल के ऊपर। तो पॉइंट पे तो अगेन मेरा कौन सी एनर्जी रहेगी, हाफ एम अल्फा वी नॉट स्क्वायर लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इस पॉइंट से तो वी नॉट ही हमने कंसिडर किया था, वेलोसिटी इज इक्वल टू हाफ एम अल्फा into, यहाँ पे चलो v square मान लेता हूँ, इस point पे जो velocity होगी जो v square में मानता हूँ, ठीक है। Now plus जो होगा मेरा यहाँ पे k z1 मेरा हो जाएगा यहाँ पे almost आपका z1, यहाँ पे मेरा कितना था potential energy 79 into t मतलब 158 e square by twice r naught, ये मेरा हो जाएगा वेलोसिटी। तो यहां तक पॉइंट आपको बेटा क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद जो होगा बेटा ध्यान से समझना, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, आर नॉट की वैल्यू यहां से निकाल लूं मैं, आर नॉट की वैल्यू मेरी क्या थी बेटा, चलो हाफ एम अल्फा बी स्क्वायर प्लस के इनटू 158 जो होगा 158 e square by 2 into r naught की वैल्यू हो जाएगी k into 316 e square by m alpha v naught square। तो e square इसका cancel, k के cancel, ये 2 times चला जाएगा, ठीक है। तो half m alpha v square plus ये हो जाएगा 2 times, तो ऊपर चला जाएगा m alpha v naught square by 4, 2 into, क्योंकि कितने टाइम चला जाएगा 2 टाइम, तो 2 into 2 4, और ये हो जाएगा half m alpha v naught square, m alpha m alpha m alpha क्या हो चुका है मेरा, cancel हो चुका है, तो v naught square by 2 minus v naught square by 4 is equal, अच्छा लो ऐसे भी नहीं, 1 by 2 1 by 2, और ये 2 times cancel हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ v naught square minus v naught square by 2 is equal to क्या हो जाएगा, v square, और v स्क्वायर जो हो जाएगा मेरा v नॉट स्क्वायर बाय 2, ओके। तो v को लिख सकता हूं मैं v नॉट बाय रूट 2, ये मेरी वेलोसिटी हो जाएगी इस पॉइंट पे, क्योंकि आप देखो रूट 2 है तो वेलोसिटी क्या हो चुकी है, घट रही है धीरे धीरे, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है, आपको मुझे इसका आंसर बताना है मेरे अपने ग्रुप में, ठीक है। चलो थैंक यू। सॉरी वो थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम था, ठीक है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन के बारे में जब बात करता हूँ बेटा, ठीक है, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, सॉरी सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ठीक है। मुझे सेकंड पॉइंट तक क्लियर है, थर्ड पॉइंट आपको मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बोला वो होमवर्क जरूर है, लेकिन आपको मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, लेकिन प्लीज आपको वो देखना नहीं है, ठीक है। पहले आप होमवर्क करिए, फिर आपको जब नहीं होता है तब आप उसको ट्राई आउट करिएगा, ठीक है।
तो तीसरा जो क्वेश्चन था, समझो बेटा ध्यान से थोड़ा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में देखो, थर्ड क्वेश्चन में वो किस पॉइंट पे आ जाएगा, मान लो आर नॉट बाई टू कुछ इस पॉइंट पे आ जाएगा, पॉइंट डी पे। पॉइंट डी पे अगेन इनिशियली ए पे क्या होगा मेरा, तीसरा क्वेश्चन में ए पे तो मेरा अगेन एम अल्फा वी नॉट स्क्वायर, और पॉइंट डी पे मेरा सिर्फ क्या रहेगा, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इस पॉइंट पे तो क्या हो जाएगा भैया, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि रुक जाएगा उस पॉइंट पे, क्योंकि मुझे वेलोसिटी हाफ ऑफ डिस्टेंस में निकालना, मतलब और पास आ चुका है, पास आ चुका मतलब उस पॉइंट पे रुक गया होगा, ठीक है। तो के मतलब कितना है पोटेंशियल एनर्जी में, कितनी थी 158 ई स्क्वायर बाय आर नॉट बाय टू, ठीक है। तो हाफ एम अल्फा वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू टू ऊपर चला जाएगा इनटू के 158 ई स्क्वायर। अब आर नॉट की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, वेरी गुड, के इनटू 316 ई स्क्वायर बाय एम अल्फा वी नॉट स्क्वायर, दिस 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 ये टू टाइम्स, सॉरी ये टू टाइम्स चला जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एम अल्फा, ओके कुछ गड़बड़ किया शायद, एक मिनट हाँ होल्ड करना, सॉरी आपको यहाँ पे वी नॉट नहीं मानना पड़ेगा, यहाँ पे आपको वी मानना पड़ेगा कि वी स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। वी स्क्वायर इस तरीके से माना मैंने, क्योंकि देखो अब वी नॉट मैं नहीं मान सकता यहाँ पे, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गई थी यहाँ पे, वी नॉट इसलिए नहीं मान सकता बेटा, वी वी नॉट से जब फेंकना था तब वो सिर्फ पॉइंट बी तक आया था, मतलब अब आपको और ज्यादा स्पीड में फेंकना पड़ेगा तब ये हाफ ऑफ डिस्टेंस पे आएगा, ठीक है। हाफ ऑफ डिस्टेंस में आने के बाद आप ये कर सकते हो इसको v माना, तो ये हो सकता है हाफ m अल्फा v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा m अल्फा v नॉट स्क्वायर, तो ये और ये क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो अब v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ v नॉट स्क्वायर, मतलब v बराबर हो जाएगा रूट टू टाइम्स ऑफ v नॉट, मतलब आपको वेलोसिटी अब 1.44 टाइम्स ज्यादा फेंकना पड़ेगा आर नॉट बाई टू जाने के लिए। होप सो ठीक है, यहाँ तक आपको पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, सॉरी फॉर टेक्निकल, थोड़ा लाइट चली गई थी उसके लिए, अगेन आई एम सॉरी, किसी बच्चे को इनकन्वीनियंट होगा तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ये अब तक मेरा रदरफोर्ड का डिटेल में, डिटेल वाइज जेई एडवांस तक हमने जो कवर किया, जिस टाइप के क्वेश्चन आए हुए जेई एडवांस में, तो मैंने पूरे डिटेल वाइज कवर किया हुआ है। कुछ पॉइंट्स पे आपको थियोरेटिकली बता देता हूँ, ठीक है, प्लीज नोट डाउन करिएगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन पढ़ लिया, रिजल्ट पढ़ लिया, कंक्लूजन पढ़ लिया, सब ठीक पढ़ लिया, लेकिन अभी तक मैंने आपको ये बात बताई थी कि भैया कोई भी एक्सपेरिमेंट कंप्लीटली तो था नहीं, तो रदरफोर्ड में भी एटॉमिक मॉडल में उसकी कुछ गलतियां होंगी बेटा, हाँ गलतियां क्या थी ये इंपॉर्टेंट बात थी। तो यू कैन जस्ट राइट डाउन लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो पॉइंट वन जो था मेरा, तो रदरफोर्ड किस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, रदरफोर्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो अब आप पूछो सर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, आगे आगे का टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और यहीं से बोर का एटॉमिक मॉडल आया था, ठीक है। तो पहला आप लिख लीजिए, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। सेकेंड सेकेंड जो इंपॉर्टेंट बात जो नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, तो यू कैन राइट इट डाउन इस तरीके से, आप लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, उनका ये जो थ्योरी था ये किसने दिया था, शायद मेरे साथ एक साइंटिस्ट ने, मैक्सवेल था, सॉरी मैक्सवेल ने ये थ्योरी दी थी। मैक्सवेल का क्या मानना था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड घूमता है तो कंटिन्यूअसली एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है, और उसका पाथ सर्कुलर नहीं होता, उसका पाथ स्पाइरल होता है। और रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड ने देखो अपना एटॉमिक मॉडल में क्या किया था, उसने एटॉमिक मॉडल में इस तरीके से बताया कि भैया न्यूक्लियस का सेंटर में और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये बात वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो यू कैन राइट इट अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म,
इफ ए चार्ज पार्टिकल इफ ए नेगेटिव इफ ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व्स अराउंड द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल देन इट विल कंटिन्यूअसली लूज द एनर्जी एंड द पाथ शुड बी स्पाइरल एंड व्हेन ऑल ऑफ एंड व्हेन ऑल ऑफ एनर्जी इज लूजेस देन इट फॉल्स इनटू द न्यूक्लियस एंड द एटम इज बिकम अनस्टेबल. ऑब्वियस बात है, जब इलेक्ट्रॉन मान लो घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड और कंटिन्यूअसली घूमते जाएगा घूमते एक समय पर एनर्जी खत्म हो जाएगी और वह न्यूक्लियस के अंदर चला गया, मतलब एटम एग्जिस्ट ही नहीं किया उसके अकॉर्डिंग. अगर ये थ्योरी गलत नहीं थी, ये थ्योरी सही थी, रदरफोर्ड भी अपने जगह पे सही था और ये थ्योरी भी सही थी, बट रदरफोर्ड इस थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. अब आपको सजा वो कंटिन्यूस एनर्जी लूज करेगा एक समय तो खत्म होते मतलब उसकी एनर्जी जो पूरी कंप्लीटली खत्म हो जाएगी तो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा और जब वो न्यूक्लियस के अंदर ही चला गया तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं किया. इस तरीके से रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल भी कंप्लीटली सक्सेस नहीं हुआ था. ठीक है, आज का सेशन बेटा हम यहीं तक करते हैं और कल से हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल चालू होगा. कल का सेशन और भी इम्पोर्टेंट है, जेई मेंस में कई बार क्वेश्चन आए हुए, जेई एडवांस में कई बार उस टॉपिक पे क्वेश्चन आए हुए. ठीक है, होप सो आप सबने अभी तक इस सेशन को एंजॉय किया होगा. थैंक यू वेरी मच.